क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय टीम का वर्ल्ड कप से शर्मनाक एग्जिट हो गया। टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई और ढेर हो गई। अब हालात ये हैं कि टीम इंडिया की हार के लिए भारत के बाहर होने पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई आईपीएल को दोषी बता रहा है, कोई बीसीसीआई के टाइट शेड्यूल को वजह बता रहा है, तो कोई खिलाड़ियों की मानसिक थकान को। मगर दिग्गज सुनील गावस्कर का कहना है कि टीम इंडिया के बाहर होने की सिर्फ एक वजह है और उसी वजह के कारण अब पूरी टीम में बदलाव का भी वक्त आ गया है। 5 खिलाड़ियों को टीम से बाहर निकालने की डिमांड कर दी। तो क्या क्या कहा सुनील गावस्कर ने, क्या बताई वजह, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 2 मैच हारना भारी पड़ गया। अब उसके बाद भारत ने भले ही अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को कुचल दिया, मगर ये किसी भी काम नहीं आया और टीम इंडिया की सेमीफाइनल से पहले ही शर्मनाक विदाई हो गई। अब पूरे देश में, दुनिया में भारतीय टीम के खिलाड़ियों की आलोचना हो रही है, उनके खेल की, उनके एटीट्यूड की और उनके बयानों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इधर भारत के लिए सबसे बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट माने जाने वाले सुनील गावस्कर ने भी इस पर तीखा बयान दिया है और टीम इंडिया के दिग्गजों पर सवाल खड़े कर दिए। पहले तो गावस्कर ने कहा कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और इसकी सिर्फ एक वजह है और वो है भारत की बल्लेबाजी का फ्लॉप होना। जी हाँ, गावस्कर ने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कहा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही और उसके बाद आप गेंदबाजों से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते। गावस्कर ने कहा कि आप गेंदबाजों के बारे में उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बिना मदद वाली पिचों पर विरोधियों को रोक दें, रन नहीं बनाने दें। जी हाँ, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कोर 180 या फिर 190 होता तो माना जा सकता था कि गेंदबाजी खराब हुई, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप हुए और खराब बल्लेबाजी ने भारत को वर्ल्ड कप से बाहर करवा दिया। ये साफ साफ सुनील गावस्कर का कहना है। गावस्कर ने आगे कहा कि T20 क्रिकेट में भारत को बड़े नामों के साथ नहीं चलना चाहिए, बल्कि अच्छा खेल दिखाने वाले और अच्छी फॉर्म वाले नए खिलाड़ियों को चुनना चाहिए, जिसमें भारतीय चयनकर्ता पूरी तरह से फेल साबित हुए। अब गावस्कर का कहना है कि 5 खिलाड़ियों को तो तुरंत ही न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में आराम दे देना चाहिए, टीम से बाहर कर देना चाहिए, ताकि नए खिलाड़ियों को आजमाया जा सके, उनके खेल को परखा जा सके। सुनील गावस्कर के मुताबिक टीम से बाहर होने वाले पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा होने चाहिए, जिन्हें आराम की सख्त जरूरत है, और उनकी जगह पर ईशान किशन से ओपनिंग कराई जाए। जबकि गावस्कर ने कहा कि दूसरा नाम विराट कोहली का होना चाहिए और गावस्कर का कहना है कि विराट कोहली की जगह पर तीसरे नंबर पर वेंकटेश अय्यर को खिलाना चाहिए, जो कि ऑलराउंडर है और भारत को अभी ऑलराउंडर की सख्त जरूरत है। गावस्कर के मुताबिक टीम से बाहर होने वाले तीसरे खिलाड़ी हार्दिक पांड्या होने चाहिए, जिन्हें बिना फिट हुए किसी भी तरह के क्रिकेट को नहीं खेलने देना चाहिए और जब पांड्या फिट हों तभी उनके नाम पर हर फॉर्मेट में विचार होना चाहिए। गावस्कर का मानना है कि हार्दिक पांड्या की जगह पर हर्षाल पटेल को मौका मिलना चाहिए, जो कि RCB के लिए शानदार खेल दिखा चुके हैं। अब गावस्कर के मुताबिक जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को भी टीम से तुरंत बाहर कर देना चाहिए, इन्हें भी आराम की सख्त जरूरत है और इनकी जगह पर दीपक चाहर और चेतन सकारिया को मौका मिलना चाहिए। अब यहाँ पर गावस्कर ने चौंकाते हुए 6ठे खिलाड़ी का भी नाम लिया। गावस्कर ने एक और बात कही। सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर टीम इंडिया को भुवनेश्वर कुमार को भी आराम देना चाहिए तो ये बहुत अच्छी बात होगी और भुवनेश्वर की जगह पर जम्मू कश्मीर के युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक को टीम में लेकर आए और उमरान टीम में एक्स फैक्टर ला सकते हैं, क्योंकि उमरान 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं। तो कुल मिलाकर गावस्कर ने साफ साफ कह दिया कि टीम इंडिया में बदलाव की जरूरत है, 5 खिलाड़ियों को तो तुरंत ही बाहर करके नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, भले ही वजह आराम बताएं या फिर कुछ और, लेकिन बदलाव जरूरी है। और साफ तौर पर सुनील गावस्कर ने भारत के वर्ल्ड कप से एग्जिट के लिए बल्लेबाजी को वजह बताया और कहा कि तुरंत ही बल्लेबाजों को तो बदलना ही चाहिए, साथ ही साथ गेंदबाजों को भी आराम मिलना चाहिए। तो आप सुनील गावस्कर से कितना सहमत हैं, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। पहले उस पाकिस्तान ने हराया जो अब तक के इतिहास में वर्ल्ड कप मैचों में भारत के पास तक छटक भी नहीं पाया, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने हरा दिया। अब पाकिस्तान के हार से उबरे भी नहीं थे कि न्यूजीलैंड ने भी कुचल दिया और ऊपर से खिलाड़ियों की जो दलीलें हैं वो शर्मनाक से भी शर्मनाक हैं।
जसप्रीत बुमराह कहते हैं कि हम 6 महीने से घर नहीं गए और हमें ब्रेक चाहिए। अब सवाल ये है कि बुमराह ने वर्ल्ड कप से पहले ब्रेक क्यों नहीं मांगा, आईपीएल से पहले ब्रेक क्यों नहीं लिया? तब ब्रेक मांगते तो आप घर पर बैठकर मैच देखते और आपकी जगह पर दीपक चाहर या फिर उमरान मलिक जैसा युवा खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलता और मन से खेलता, भारत को मैच भी जिताता। मगर खेलना जसप्रीत बुमराह को भी था और बहाने भी ब्रेक के बुमराह को ही बनाने थे। यही नहीं, विराट कोहली ने भी खूब बहानेबाजी की और कहा कि हमारे खिलाड़ियों के लिए बेहद जरूरी है ब्रेक। अब खिलाड़ियों के इसी रवैये से बीसीसीआई बेहद नाराज है और इसीलिए बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है और वर्ल्ड कप के तुरंत बाद होने वाली न्यूजीलैंड सीरीज में सभी खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया जा रहा है। जी हाँ, भले ही इसे आराम का नाम दिया जाएगा लेकिन सभी दिग्गजों को बाहर किया जा रहा है और केएल राहुल को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाने पर मुहर भी लग गई है। बस अगले कुछ दिन में इसका ऐलान होने वाला है। राहुल टीम के कप्तान होंगे और टीम से बाहर कौन कौन होंगे अब वो भी देखिए। फिलहाल कप्तानी संभाल रहे विराट कोहली को टीम से पहली बार बाहर किया जा रहा है, जो कि अब कप्तानी छोड़ चुके हैं। और वहीं कप्तानी के दावेदार और वर्तमान उपकप्तान रोहित शर्मा को भी टीम से बाहर किया जा रहा है। अब इन दोनों को ही बाहर करने पर आराम का नाम दिया जा रहा है, लेकिन साफ शब्दों में इन्हें टीम से बाहर किया गया है। टीम से बाहर होने वाले तीसरे खिलाड़ी विकेट कीपर ऋषभ पंत हैं। पंत को भी आराम के ही बहाने बाहर किया जा रहा है। तो वहीं चौथे खिलाड़ी हार्दिक पांड्या है जिन्हें टीम से बाहर किया गया है और हार्दिक पांड्या तो अब दूर दूर तक कहीं से कहीं तक टीम इंडिया में वापसी के दावेदार ही नहीं है। गेंदबाजों में तो पूरी यूनिट ही बदलती हुई दिख रही है। जसप्रीत बुमराह खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं, लिहाजा बुमराह भी टीम से बाहर किए जा रहे हैं। मोहम्मद शमी को भी बाहर किया जा रहा है। भुवनेश्वर कुमार से तो बीसीसीआई का भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है, जबकि वरुण चक्रवर्ती भी टीम इंडिया से पूरी तरह से बाहर कर दिए जाएंगे और करियर शुरू होने से पहले ही चक्रवर्ती का करियर खत्म हो जाएगा। वहीं रवि अश्विन को भी टेस्ट सीरीज से पहले ही बिना खेले आराम दिया जा रहा है, टी20 सीरीज से बाहर किया जा रहा है। अब इतने सारे खिलाड़ी, इतने सारे दिग्गज बाहर होंगे तो टीम इंडिया में शामिल कौन कौन होगा वो भी देखिए। टीम इंडिया में बतौर ओपनर ईशान किशन को चुना जाना था, या ईशान किशन राहुल के साथ ओपनिंग करेंगे, जबकि तीसरे ओपनर या कहें कि बैकअप ओपनर के तौर पर वेंकटेश अय्यर को चुना जाना था है। और वेंकटेश अय्यर टीम इंडिया में अगले ऑलराउंडर की भूमिका भी निभा सकते हैं। वहीं मिडिल ऑर्डर के लिए सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन टीम में चुने जाने। ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा के साथ हर्षाल पटेल और शार्दुल ठाकुर को चुना जाएगा। तो वहीं तेज गेंदबाजी में दीपक चाहर और चेतन सकारिया के साथ तूफानी गेंदबाज उमरान मलिक को भी मौका मिलेगा। जी हां, उमरान मलिक वही गेंदबाज हैं जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आखिरी मैचों में गेंदबाजी की थी और 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी से सभी को चौंका दिया था। वहीं स्पिनर्स में राहुल चाहर टीम में बने हुए हैं और युजवेंद्र चहल की टीम में वापसी होने जा रही है। जी हां, वर्ल्ड कप तक युजवेंद्र चहल खेले लेकिन ठीक वर्ल्ड कप में उन्हें बाहर कर दिया गया, मगर अब चयनकर्ताओं को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, चहल की टीम में वापसी हो रही है। वहीं अक्षर पटेल को भी टीम में चुना गया है बतौर तीसरे स्पिनर। तो कुल मिलाकर पूरी की पूरी टीम बदलने वाली है। हालांकि ये टीम फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए होगी, लेकिन बीसीसीआई मन बना चुका है कि अब बड़े नाम से ज्यादा बड़े खेल वाले खिलाड़ियों को तवज्जो दी जाएगी, उन्हें ही टीम में चुना जाएगा। क्योंकि बड़े नामों के दर्शन कितने छोटे हैं ये वर्ल्ड कप में हम देख चुके हैं, चाहे वो रोहित हो, विराट हो, राहुल हो, ऋषभ पंत हो या फिर बुमराह, शमी या भुवी, किसी भी खिलाड़ी ने टीम इंडिया को जिताने के लिए वो दमखम दिखाया ही नहीं और इसीलिए इन सबको एक झटके में टीम इंडिया से बाहर किया जा रहा है। तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है? राहुल को कप्तानी दिए जाने के फैसले से आप कितना सहमत हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।